आज मैं हेयर ऑयल की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपके बालों की हर समस्या को दूर करता है। ये हेयर ऑयल मैंने घर पे बनाया है और बहुत ही अच्छा ऑयल है ये। इस एक ऑयल को अगर आप नियमित तौर पे इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में 2 बार, तो ये आपके बालों की हर समस्या को दूर करता है। जल्दी ग्रे होने से रोकता है, बालों का झड़ना कम करता है, इन्हें सुंदर और मजबूत बनाता है। तो घर की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो इसे घर में बनाएं और इसका यूज़ करें। और हाँ, ऑयल को कभी भी गैस पे या कहीं चूल्हे पे डायरेक्ट गर्म नहीं करना चाहिए, इससे उसके पोषक तत्व तो मर जाते हैं। तो इसे हम डबल बॉयलर विधि से बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। जब भी आप इस ऑयल को इस्तेमाल करने जा रहे हो, तो उसमें टी ट्री ऑयल मिलाना ना भूलें। ये आपके ऑयल को एक अच्छी सी फ्रेगनेंस देगा और बालों में हमारे स्कैल्प पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उन्हें दूर करेगा। तो इसको ज़रूर से डालें, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने इस ऑयल में ऑनियन वगैरह मिक्स किया है, तो एक हल्की सी अलग सी खुशबू आएगी इसकी। तो अगर आपको वो नहीं पसंद है तो ये डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी ऑयल की। और आप इसको लगा के आराम से बाहर भी जा सकते हैं। मैं तो हमेशा जाती हूँ, कभी भी ऑयल लगा के मैं बाहर आराम से निकल सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आराम से इसको यूज़ करें और इसके फ़ायदे देखें आप। ये मैंने ओवरनाइट सोक किए हुए फ्लैक्स सीड ले लिए हैं, अच्छे से फूल गए हैं और अपने पोषक तत्वों को इस पानी में रिलीज़ कर दिया है। यहाँ मैंने मेथी का दाना भी ले लिया है, ये भी अच्छे से फूल गए हैं। ओवरनाइट इन दोनों चीज़ों को सोक करना है। मेथी दाना का पानी हम छान लेंगे और इसे पीसने के लिए मिक्सी के जार में हमें डालना है। फ्लैक्स सीड का पानी छानेंगे नहीं, इसको ऐसे ही डाल देना है। इसका एक पेस्ट बनाना है हमें। और यहाँ मैंने आंवला लिया है, इसको कद्दूकस कर लिया है। इसको हम हाथ से निचोड़ के, अपनी मुट्ठियों से निचोड़ के इसका रस निकाल लेंगे। मुट्ठियों से इसलिए निचोड़ेंगे कि पूरा रस अच्छे से निकल जाएगा। मुट्ठियाँ हमारे बड़ी काम की हैं, इससे अच्छे से निचुड़ जाती हैं चीज़ें, अच्छे से पूरा रस निकल जाएगा। और आंवला का जो फाइबर है उसको फेंकना नहीं है, उसको आप चटनी, अचार या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसको कद्दूकस कर लिया है। सेम प्रोसेस से हम इसको भी निचोड़ लेंगे। जैसे हमने आंवले को निचोड़ा था, वैसे ही हमें प्याज को भी निचोड़ लेना है। इसके फाइबर को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको आप पराठे, सब्जी या कलौंजी बनाते समय यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में यूज़ कर लें। हमारे किचन में कोई भी चीज़ फेंकने वाली नहीं होती है, हर चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ये प्याज है, इसको हम सब्जी या पराठे में यूज़ करेंगे। और आंवले को एक प्लेट में फैला दें और पंखे के नीचे उसे सूखने के लिए छोड़ दें। ये आंवला है, इसको एक प्लेट में फैला दें और पंखे के नीचे सुखा लें। इसका पाउडर बना के रख सकते हैं, अचार या चटनी में इसका उपयोग कर सकते हैं आप। अब एक लोहे की कढ़ाई ले लें, उसमें 1/2 लीटर कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल डालना है, नारियल का तेल, 100 ml ऑलिव ऑयल डालेंगे, 100 ml कैस्टर ऑयल डालेंगे, 2 से 4 चम्मच के करीब बादाम का तेल यूज़ करेंगे हम इसमें, और ये जूस हमने जो निकाला था उसको डाल देंगे, फ्लैक्स सीड और मेथी के पेस्ट को डाल देंगे। और यहाँ मैंने एक बड़े भगोने में पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है, इसके ऊपर हमें ये कढ़ाई रख देनी है। इसके भाप से ही इस तेल को हमें पकाना है। डायरेक्ट हीट पे आप पकाएंगे तो इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो कभी भी ऑयल को डायरेक्ट हीट पर ना पकाएं, हमेशा उसको इसी विधि से पकाएं, डबल बॉयलर की विधि से। ये बहुत अच्छी विधि है, इससे पोषक तत्व इसमें बने रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से हमें इसे 20 मिनट तक पकाना है। जब 20 मिनट हो जाएं तो गैस ऑफ़ कर दें और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये कम्प्लीटली कूल हो जाए तब हम इसे छानेंगे। यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं, गैस को ऑफ़ कर रही हूँ मैं।
इस तेल को हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे छानेंगे। एक छन्नी लें और उसमें इसे छान लें। नीचे एक बर्तन रखें, सारा तेल अच्छे से छान लें, चीज़ें इसमें जो बची हुई इसकी चीज़ें हैं छन्नी में डाल दें, एक एक ड्रॉप करके तेल अच्छे से निकल जाएगा इसमें से। छोड़ दें ऐसे ही, कुछ टाइम बाद धीरे से सारा तेल पूरा निकल जाएगा। ये अच्छे से हमारा तेल तैयार है यूज़ करने के लिए। इसे आप साफ़ सुथरी बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी मन हो इसमें टी ट्री ऑयल डालें, या अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो ऐसे ही लगा लें। ये हमारा तेल यूज़ करने के लिए तैयार है। ये आराम से 2-3 महीने आराम से चल जाता है। बहुत ही अच्छा ऑयल है, आपके बालों को सुंदर और मजबूत बनाएगा, घना बनाएगा, हेयर फॉल को रोकेगा, बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है ना, ये ऑयल सब दूर कर देगा। जब भी यूज़ करना हो इसे कटोरी में निकालें। इसमें टी ट्री ऑयल मिला रही हूँ मैं, ये मिलाएंगे हम और पार्टीशन करते हुए रूट्स में लगाएंगे।